17 या 16 तारीख को चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। उसी को लेकर आज हम अपना ओपिनियन पोल प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि कन्नौज में 2024 का चुनाव कौन जीत रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2024 में लोकसभा चुनाव सूरत पाठक जीत कर फिर से संसद पहुंचेंगे, या अखिलेश यादव जिनकी चर्चा है कन्नौज से लड़ने की, क्या अखिलेश यादव की बात कन्नौज में चुनावी मैदान में सूरत पाठक को हरा देंगे। इसी को लेकर जो हमने जनता से राय ली, जनता की नब्ज को टटोला, कन्नौज की 5 विधानसभाओं में गए, उसको लेकर करीब हमने 2404 लोगों से कन्नौज के अलग अलग लोग क्षेत्रों में बात की, तो 2404 लोगों का जो निचोड़ आया है वो मेरे पास मौजूद है। आप जानते होंगे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स जो सर्वे कर रहे हैं उनके पास भी जो वो अपना सैंपल साइज लेते हैं सर्वे करते हैं, वो भी 10,000 से 11,000 लोगों का सर्वे करते हैं पूरे भारत में, उसका जो निचोड़ आता है वो सर्वे के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं कि भारत में किसकी बन रही है सरकार। और हमारा सैंपल साइज करीब 2404 लोगों का एक लोकसभा क्षेत्र में, तो अगर उन चैनलों की अपेक्षा हमारे चैनल का सर्वे कंपेयर करें एक लोकसभा सीट के हिसाब से, तो हमारा सैंपल साइज बहुत है। 2404 लोगों का जो हमने लोगों से बात की, उनका रिव्यू लिया, उनसे समझा कि कन्नौज की परिस्थितियाँ क्या हैं और कौन बनना है 2024 में कन्नौज से सांसद और किसकी बनने जा रही है सरकार, उसका हमने परसेंटेज कन्वर्ट किया, उसको लेकर जो आंकड़े हमारे पास आए हैं वो मेरे पास हैं, तो शुरू करते हैं अपना सर्वे और बताते हैं 2024 में कौन जीत रहा है कन्नौज लोकसभा चुनाव, क्या है हमारे सर्वे का नतीजा। सर्वे जब हमने शुरू किया तो सबसे पहले कन्नौज की जनता से हमने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम कैसा रहा, तो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा हमारे सर्वे में नजर आया जो लोगों ने बताया, उसमें सबसे पहले लोगों का 60% लोग मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल अच्छा रहा, उनका काम अच्छा रहा। अब 35% लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, उनका काम अच्छा नहीं रहा। 5% जनता कहती है हम नहीं कह सकते, ना हमें उनका कार्यकाल खराब लगा ना हमें उनका कार्यकाल अच्छा लगा। तो कन्नौज की जनता से जब पूछते हैं कि कन्नौज से कौन चुनाव जीतेगा, तो 45% जनता कहती है समाजवादी पार्टी कन्नौज से चुनाव जीतेगी, 40% जनता कहती है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, और 15% जनता कहती है नहीं बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतेगी। फिर इसके बाद जो सबसे बड़ा आंकड़ा सर्वे में हमारे आया, सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 7% वोट हमारा है, उसके बाद 40% में बंटवारा है उसमें भी हमारा है। तो अब हम देखते हैं कि कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट मिलने जा रहा है, कितने परसेंट वोट मिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है 50 से 55% वोट उसको मिलता है, लेकिन क्या कन्नौज की जनता 50 से 55% वोट भारतीय जनता पार्टी को देती है कि नहीं, तो इस सर्वे में जो हमारा आंकड़ा निकल के आया उसमें ये आंकड़ा बिल्कुल पलट गया है। समाजवादी पार्टी को करीब 45% वोट मिल रहा है कन्नौज से, भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट मिल रहा है, 15% बहुजन समाज पार्टी को वोट मिल रहा है। तो यानी कन्नौज में बहुत बड़ा खेल हो गया है, जो हमारा सर्वे निकल कर आ रहा है उसमें 45% वोट समाजवादी पार्टी को मिल रहा है और 40% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, यानी 5% का वोट का इजाफा समाजवादी पार्टी ने अपने वोट में किया है और बहुजन समाज पार्टी को भी 15% वोट मिल रहा है, यानी समाजवादी पार्टी बहुजन भारतीय जनता पार्टी से करीब 5% आगे है। इसके बाद हमने कन्नौज की जनता से पूछा, अगला सवाल कन्नौज की जनता से हमने पूछा, कन्नौज की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में किस मुद्दे पर वोट करेगी। जब हम जनता के बीच में गए हमने लोगों से पूछा कि कन्नौज की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में जो चुनाव आने वाले हैं इसमें किस मुद्दे पर वोट करेगी, कौन सा मुद्दा लेकर जब आप जाएंगे वोट करेंगे, किस मुद्दे पर कन्नौज की जनता वोट करेगी, तो कन्नौज की जनता कहती है 30% कन्नौज की जनता कहती है विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे जाकर, 30% जनता कहती है हम विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, इसके बाद 30% की जनता कहती है कि हम रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे, 30% जनता कहती है कि हम विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे जाकर, और 30% जनता कहती है हम रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे। इसके बाद 20% जनता यह भी कहती है हम जातीय जनगणना के मुद्दे पर वोट करेंगे, और 20% जनता कहती है हम राम मंदिर के मुद्दे पर वोट करेंगे। एक बार इसके बाद हमने अगला सवाल कन्नौज की जनता से पूछा, 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं। आप जानते होंगे नरेंद्र मोदी एक तरफ इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी है, दूसरी तरफ विपक्ष ने अपना प्रधानमंत्री पद का कोई प्रत्याशी अनाउंस नहीं किया है। तो हमने कन्नौज की जनता से को 4 ऑप्शन दिए, उसमें कन्नौज की जनता से हमने पूछा कि इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री आप चुनने जाएंगे, तो कन्नौज की जनता कहती है 55% जनता कहती है नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, उनको तीसरा कार्यकाल हमने देना चाहते हैं। यानी कन्नौज की जनता से हमने पूछा 2024 में किसे प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो कन्नौज की जनता कहती 55% लोग कहते हैं कि नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री होना चाहिए। उसके बाद 30% जनता कहती है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, 10% जनता कहती है अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री होना चाहिए, और 5% जनता अरविंद केजरीवाल के नाम पर भी सहमत हो जाती है। ये तो होगा चुनावी आंकड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कन्नौज को लेकर। इसके बाद जो हमने सूरत पाठक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं इनको, और चर्चा भी थी कि सूरत पाठक ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव, इनको लेकर जो हमने सर्वे किया, एक तरफ समाजवादी पार्टी को अलग किया, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को अलग किया, इन दोनों व्यक्तियों को लेकर हम कन्नौज की जनता के बीच में गए कि ये दो नाम है, एक तरफ से समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव है, दूसरी तरफ से सूरत पाठक है। अब आप बताइए कि कन्नौज की जनता किसे चुनेगी। तो हम कन्नौज की जनता से सबसे पहला सवाल जब इस मुद्दे पर पूछते हैं कि कन्नौज का अगला सांसद किसे होना चाहिए, कन्नौज का अगला सांसद किसे होना चाहिए, जब हम ये सवाल जनता से पूछते हैं तो चौंकाने वाला आंकड़ा आता है, 60% जनता कहती है अखिलेश यादव को कन्नौज का अगला सांसद होना चाहिए। इसके बाद सूरत पाठक के नाम पर 35% लोग कहते हैं कि सूरत पाठक को कन्नौज का अगला सांसद होना चाहिए, 5% लोग हैं वो कहते हैं कि हम इस मुद्दे पर कह नहीं सकते, हमें दोनों में कोई समझ में नहीं आ रहा है, ना हम सूरत पाठक को देखना चाहते हैं ना अखिलेश यादव को देखना चाहते, वो दोनों को ही लाइक नहीं कर रहे थे। कन्नौज की जनता से जब अगला सवाल पूछते हैं, हमारी टीम जाती है उनके पास और पूछती है कि कन्नौज का सबसे ज्यादा विकास किसने किया, कन्नौज का सबसे ज्यादा विकास किसने किया। जब ये सवाल लेके जाते हैं तो आप स्क्रीन पे इसके
आएंगे, जो आंकड़े निकल के आए उसमें अखिलेश यादव के नाम पर 64% जनता कहती है कन्नौज का सबसे ज्यादा विकास अखिलेश यादव ने किया। सुब्रत पाठक के नाम पर लोग कहते हैं 30% विकास, सुब्रत 30% लोग कहते हैं कि सुब्रत पाठक ने कन्नौज का विकास किया, 5% लोग कहते हैं हम कह नहीं सकते किसने कन्नौज का ज्यादा विकास किया। और उसके बाद हमने एक सवाल पूछा, आपने जानते ही होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्नौज आए थे, उन्होंने कन्नौज मेडिकल कॉलेज की नाम बदलने की घोषणा कर दी। मंत्री हैं कन्नौज से अशी मरुड़ जी, उन्होंने भी पहले कहा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से मेडिकल कॉलेज जाना जाता था, फिर अखिलेश यादव ने राजकीय मेडिकल कॉलेज कर दिया। इसको लेकर कन्नौज की जनता से पूछा कि कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने से चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा या कोई फर्क पड़ेगा, तो कन्नौज की जनता कहती 55% जनता कहती नहीं, चुनाव पर कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 35% जनता कहती है कि हाँ फर्क पड़ेगा। 10% जनता कहती है हम कुछ कह नहीं सकते इससे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। इसके बाद जब अगला सवाल कन्नौज की जनता से पूछते हैं मौजूदा कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक के काम से क्या कन्नौज की जनता खुश है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपको लगेगा कि मौजूदा कन्नौज सांसद यानी सुब्रत पाठक के काम से कन्नौज की जनता खुश है। 40% जनता कहती है हाँ हम खुश हैं, 55% जनता कहती बहुत बड़ा आंकड़ा, 55% जनता कहती हम नाखुश हैं, और 5% जनता कहती हम नहीं कुछ कह सकते। कन्नौज की जनता से जब पूछते हैं कि अखिलेश यादव के काम से आप क्या खुश हैं, तो 60% कन्नौज की जनता कहती है हम अखिलेश यादव के काम से खुश हैं, अब 35% जनता कहती है अब नाखुश हैं, अब 5% जनता कहती है हम कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद हम अगला सवाल जब कन्नौज की जनता से पूछते हैं अपने सर्वे में कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक का कार्यकाल कैसा रहा, तो इसमें एक बार फिर सुनिएगा, कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक का कार्यकाल कैसा रहा, यानी कन्नौज की जनता क्या सोचती है कि सुब्रत पाठक का कार्यकाल कैसा रहा, तो 40% जनता कन्नौज की कहती है सुब्रत पाठक का कार्यकाल अच्छा रहा, 55% जनता कहती नहीं मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक का कार्यकाल बहुत खराब रहा। इसके बाद 5% जनता कहती कह नहीं सकते, यानी 55% जनता कहती कन्नौज की सुब्रत पाठक का कार्यकाल खराब रहा, और महज 40% जनता कहती है कि सुब्रत पाठक का कार्यकाल अच्छा रहा। इसके बाद हम कन्नौज की जनता से अगला सवाल पूछते हैं क्या मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक को एक मौका और देंगे, तो इसमें कन्नौज की जनता कहती 40% जनता कहती हाँ एक मौका मिलना चाहिए, 50% जनता कहती नहीं अब मौका नहीं मिलना चाहिए, 10% जनता कहती अभी हमने तय नहीं किया है, यानी 40% जनता कहती हाँ सुब्रत पाठक को एक मौका और देंगे, और 50% जनता कहती हम नहीं सुब्रत पाठक को एक मौका नहीं देंगे, और 10% जनता कहती अभी तक हमने इस बारे में कुछ तय नहीं किया है। अगला सवाल जब कन्नौज की जनता से पूछते हैं सुब्रत पाठक से नाराज क्यों है, मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक से अगर आप कोई नाराजगी है तो क्या कारण है, आप क्यों नाराज हैं मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक से, तो कन्नौज की जनता कहती है क्षेत्र में कम सक्रियता रही। जब ये लोगों से पूछते हैं तो करीब 10-30% लोग कहते हैं सुब्रत पाठक क्षेत्र में कम सक्रिय रहे, इस वजह से हम सुब्रत पाठक से नाराज हैं। अब दूसरा कारण जो कन्नौज की जनता ने गिनाया वो है सपा सरकार के छोटे कार्य पूर्ण नहीं कर पाए, 50% जनता ऐसी मानती है जो अखिलेश यादव ने काम कन्नौज के लिए शुरू किए थे वो काम पूरे नहीं करा पाए, इस वजह से कन्नौज की जनता उनसे नाराज है। अब 20% जनता इस बात के लिए भी कहती है कि विकास कार्य जो जैसी उनसे उम्मीद थी अखिलेश यादव को हमने सांसद चुना, उसके बाद डिंपल यादव को चुना, जैसे उन्होंने काम किए वैसे मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक नहीं कर पाए, 20% जनता कहती है विकास नहीं कर पाए सुब्रत पाठक। और उसके बाद हम अगला सवाल कन्नौज की जनता से पूछते हैं क्या अखिलेश यादव को कन्नौज से चुनाव लड़ना चाहिए, क्या अखिलेश यादव को कन्नौज से चुनाव लड़ना चाहिए, जैसे कि उनकी चर्चा है कन्नौज से अखिलेश यादव प्रत्याशी होंगे, तो इस बारे में कन्नौज की जनता से सीधे सीधे सवाल पूछा कि क्या अखिलेश यादव को कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए, तो 65% कन्नौज की जनता कहती हाँ अखिलेश यादव को कन्नौज से चुनाव लड़ना चाहिए, 30% जनता कहती नहीं कन्नौज से अखिलेश यादव को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, अब 5% जनता कहती हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, तो बहुत बड़ा आंकड़ा कन्नौज की जनता कहती 65% कन्नौज की जनता कहती हाँ अखिलेश यादव को कन्नौज से चुनाव लड़ना चाहिए, और 30% जनता कहती नहीं अखिलेश यादव को कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो इस तरीके से सर्वे हमने कन्नौज की जनता से पूछा, हर सवाल पूछा कन्नौज की जनता से कि इस सर्वे पर अब तक क्या कहना है, कन्नौज के लोगों ने अपनी बात रखी, उसको हमने सर्वे में जो परसेंटेज आई इस सर्वे में हमने उसका निचोड़ निकाला, आपके सामने सर्वे प्रस्तुत किया। आगे आने वाले समय में हम अपना दूसरा जब सर्वे लेके आएंगे तो कन्नौज की कौन सी जाति, जैसे कन्नौज में जातीय स्थिति को अगर देखें तो यादव लोधी कुर्मी मुस्लिम दलित इनकी आबादी बहुत ज्यादा है, तो ये जातियां किस पार्टी को वोट करने जा रही हैं, किसको अपना सांसद बनाने जा रहे हैं, इनका वोट किस पार्टी को जाएगा, इसको लेकर भी हमारी टीम ने सर्वे किया है, तो वो भी आंकड़ा बहुत जल्द अपनी D12 न्यूज चैनल पर प्रस्तुत करेंगे और दिखाएंगे कि कन्नौज का सांसद किसे होना चाहिए, किस जाति का वोट किस पार्टी को, अब कन्नौज का अगला सांसद कौन। इस सर्वे के हिसाब से तो यही निचोड़ निकलता है कि मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक के कामकाज से जनता इतना ज्यादा खुश नहीं है, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ग्राउंड पर, उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, अगर अखिलेश यादव कन्नौज से समाजवादी पार्टी के टिकट पर प्रत्याशी होते हैं तो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होगा, कांटे का मुकाबला तो नहीं कह सकते इस सर्वे के हिसाब से, खासतौर से जो हमने सर्वे किया इस सर्वे के हिसाब से तो अखिलेश यादव एक तरफा कन्नौज से जीतने जा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले चुनाव में नामांकन होगा कैंपेन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंपेन करेंगे, आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, बड़े बड़े नेता कन्नौज में प्रचार करेंगे, उसके बाद क्या इस सर्वे में आंकड़े बदलते हैं वो तो हमारे आप एग्जिट पोल में देखेंगे कि कन्नौज में जब वोट पड़ेंगे उसके बाद कन्नौज में क्या परिस्थितियां बदलती हैं, क्या कन्नौज परिवर्तन करता है या फिर कन्नौज मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक पर ही भरोसा जताएगा। तो इन कन्नौज को लेकर और अधिक चुनावी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल D12 न्यूज को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, अगर कोई राय आपको हमें देनी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए।